नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन की दुनिया देसी फ्लेवर्स भाई आरुषि में आपका स्वागत है। आज मैं मार्केट से ये बैंगन लेके आई हूँ। ये अलग तरीके का बैंगन होता है। ये इसका आकार क्या होता है, छोटा साइज का ही होता है और डार्क पिंक कलर का होता है। तो आज की रेसिपी इसी बैंगन से बनाए, ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, साथ में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने बैंगन में कट लगा दिया है। सभी बैंगन को इस तरीके से मैं टुकड़ों में, चार चार टुकड़ों में कट लगा लेना है। और उसके बाद से क्या करना है, इधर दूसरी तरफ हम पैन में तेल गरम करके और सभी बैंगन को एक एक करके इसमें डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस एक मिनट तक इसलिए फ्राई करना है ताकि ये बैंगन हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। हमें क्या करना है, बैंगन को इस तरीके से डाल के 15 सेकंड के लिए छोड़ देना है। 15 सेकंड जब पूरे हो जाए तो बस दूसरी साइड भी इस तरीके से उलट के हमें थोड़ी देर तक इसको पका लेना है। इससे क्या होगा कि बैंगन अच्छे से पक जाएगा, अंदर वाला जो पार्ट होता है अच्छा सा सॉफ्ट होके गल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने बैंगन को फ्राई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको एक एक करके निकाल के साइड कर लेना है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मसाले होते हैं ना, वो थोड़े तीखे और चटपटे चाहिए। तो मसालों में क्या चाहिए वो भी देख लीजिए। हमें मसालों में चाहिए पीली वाली सरसों लेना है हमें। ये देखिए, मैंने इतना सारा पीला वाला सरसों लिया। इसके अलावा इसमें हमें मिर्च लेना है। आप चाहे तो इसमें सूखा मिर्च भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें लहसुन चाहिए, जीरा चाहिए, सभी मसाले साबुत लें। और साथ में हमें एक प्याज को इस तरीके से बारीक काट के और सभी मसालों के साथ इसे पीस के एक पेस्ट बना लेना है। और एक खास चीज़ इसमें लगेगा, क्या वो भी देख लीजिए। इसमें हमें चाहिए नींबू का रस या इमली। मैं यहाँ पे इमली का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो नींबू का रस का यूज कर सकते हैं। इमली के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से क्रश करके इसको थोड़ी देर के लिए हमें भिगो के छोड़ देना है। अब चलिए गैस के पास चलते हैं। गैस पे हमें पहले तेल गरम कर लेना है। तेल जब गरम हो जाए तो हमें फ़ोरन में 5 फ़ोरन लेना है। 5 फ़ोरन जब चटकने लगेगा तो सभी मसालों को हमें एक साथ इसमें डाल देना है। इमली का रस अभी नहीं डाले, थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो ये देखिए, फ़ोरन चटकने लगे हैं तो मैं मसालों को डाल देती हूँ। और मसालों को हमें हल्के फ्लेम पे ही थोड़ी देर तक पकाना है, कंटिन्यू चलाते रहे। इसमें हमें बीच में स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी ले लेना है। नमक हल्दी डालने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चला के पकाते रहें। ये थोड़ा सा एकदम पक जाए तब इसमें मैं इमली का रस का यूज करूँगी। तो ये देखिए, ये थोड़ा पक चुका है। इसमें अब हम इमली का रस डाल दें। और इमली का रस डालने के बाद से इसे हम कंटिन्यू चला के पकाते रहे। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि एकदम ये डो जैसा हो जाएगा। जब ये डो जैसा हो जाए तो इसको हम साइड कर लेंगे। ये देखिए, डो जैसा हो चुका है। इसको मैं साइड करके बैंगन के साथ रख लेती हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, सभी मसालों को बैंगन के अंदर फिल करना है। तो किस तरीके से वो भी देख ली। इस तरीके से मसालों को इस तरीके से एक एक करके बैंगन के अंदर उंगली के सहारे अंदर तक हमें डाल देना है मसालों को। और ऊपर से भी हमें मसालों को थोड़ा लपेट कर बैंगन को दबा के इस तरीके से पैक कर लेना है ताकि मसाले अंदर से बाहर नहीं निकले। तो मैं सभी मसालों को बैंगन के अंदर भर रही हूँ। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो भी शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैंने क्या किया है, मसालों को भर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, पहले से ही पैन चक रख दिया था, उसमें मैं तेल गरम कर लूँगी। तेल किस लिए गरम कर रही हूँ वो भी बता देती हूँ। तो चलिए, मैंने ये देखिए बैंगन को एकदम से भर लिया, सभी को मैंने इकट्ठा करके इस तरीके से भर के दबा के रख लिया है। ये देखिए, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने मसालों के अंदर जो बैंगन को भरा था, अब उन सबको हमें हल्का सा तेल डाल के उन्हें पकाना है। ऐसे तो ये रेसिपी बनके तैयार हो चुका है, लेकिन मसालों के साथ हमें बैंगन को थोड़ी देर तक स्टीम करके पकाना है। इसलिए फ्लेम को एकदम से लो करें। इससे क्या होगा कि मसाले जो हैं बैंगन के अंदर अच्छे से क्या होंगे कि मिल जाएंगे, और बैंगन भी मसालों को अच्छे से अब्ज़र्व कर लेगा। तो इसलिए हमें ये प्रोसेस भी करना बहुत ज़रूरी है। सभी को रख के हमें इसको ढक देना है 30 सेकेंड के लिए। फ्लेम को एकदम से लो करके 30 सेकेंड पूरे हो जाने के बाद से फिर से हमें दूसरी साइड भी उलट के इसको 30 सेकेंड के लिए छोड़ देना है। तो देखिए, थोड़ी देर में ही आप देखिएगा बैंगन का कलर बिल्कुल से चेंज हो चुका है। ये बहुत सुंदर सा, बहुत टेस्टी सा दिख रहा है। तो सभी बैंगन हमारे लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो ये रहा हमारा चटपटा सा बैंगन का भरवा वाला मसाला बोल लीजिए, या चटपटा बैंगन बोल लीजिए। हमारे बिहार में इसे चटपटी बैंगन की रेसिपी बोलते हैं और हमारे गांव में इसे भरवा बैंगन बोलते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।